अब हम चेक कर लेते हैं ये बन गया क्या। देखिए कितना अच्छा बना है, अंदर तक रस पहुंच गया है। ये हमारा खाने के लिए तैयार है, तो इसे जरूर ट्राई करिए। नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज आंवले का मुरब्बा बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने लिए 500 ग्राम आंवले। अब सबसे पहले आंवले में इस तरह से ये फोग ले लेंगे और इन्हें इस तरह से कर लेंगे। आराम से करें, अंदर तक जाना चाहिए ये। इस तरह से करते जाएं। इस तरह से सभी आंवले को गोद लेंगे हम। ये सभी गोद लिए हैं, अभी ने हम चूने के पानी में भिगोएंगे। तो मैंने पानी लिया है, इसमें चूना डाल देंगे। ये चूना बाजार में आराम से मिल जाता है, पान वाली दुकान पे मिल जाता है, तो इसमें से आधा ले लेंगे। और इसे मिला लेंगे अच्छी तरह और इसमें आंवले डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी ने हम 24 घंटे के लिए भीगने देंगे। 24 घंटे हो गए, चूने के पानी में भीग गए। अभी ने हम 4 से 5 बार फ्रेश पानी से साफ कर लेंगे। ये मैंने पानी से अच्छे से साफ कर लिया है, पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें आंवले डाल देंगे। और अब आंवले को पकने देंगे, गैस फुल रखेंगे और इन्हें पकने देंगे। इन्हें हमें जब तक पकाना है तब तक ये नरम नहीं हो जाए। इस तरह से चेक कर ले, आराम से आंवला दब रहा है। तो जितना समय लगे आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें उबाल ले। अब गैस बंद कर देंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। ये हमने इसका पानी निकाल लिया, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। ये आंवले ठंडे हो गए हैं, अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो हमने 500 ग्राम आंवले लिए हैं, तो 500 ग्राम ही चीनी डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चार पांच घंटे हो गए हैं, ये चाशनी में पानी आने लग गए हैं। अब इसे हम गैस पे रख देंगे। और अब चीनी को मेल्ट होने देंगे। देखिए चीनी मेल्ट होने लग गई है, थोड़ी सी और रह गई अब इसमें चीनी। और इसे कंटिन्यू फुल आंच पे चलाते हुए हमें पकाना है। गैस सिम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फुल आंच पे पका रही हूँ। चीनी कंप्लीट गल जाए और उसके 1-2 मिनट बाद तक पकाएंगे। चीनी इसमें पूरी गल गई है और इसे 1-2 मिनट भी मैंने पका लिया है। अब इस तरह से इसे गाढ़ा रखेंगे। ये एक तार की चाशनी बन गई है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे इसमें ही रहने देते हैं 2-3 घंटे के लिए। फिर इसे हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे। ये हमारा आंवले का मुरब्बा बनके तैयार हो गया है। अब इसे आप भी ट्राई कीजिए। ये 1 साल तक खराब नहीं होता, इसे स्टोर कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।